अब आइए हम 17वीं और 18वीं शताब्दी में पोगल क्षेत्र के ऐतिहासिक महत्व पोगली बोली पर चर्चा करें। डोगरा शासन से पहले पोगल का राजवाड़ा या राज्य चौंठन परिस्तान से रामपड़ी या किश्तवाड़ रुंड चामलवास तक एक प्रशासनिक इकाई हुआ करता था और अब के गुल क्षेत्र में डैंग भट्टल तक फैला हुआ था। पोगल का राजा सीधे किश्तवाड़ राज्य के अधीन था और वह वार्षिक रूप से किश्तवाड़ के राजा को 2 कबूतर भेंट करता था। यह एक प्रतीकात्मक इशारा था जो किश्तवाड़ राज्य की सर्वोच्चता को स्वीकार करने का प्रतीक था। पोगल के पार का क्षेत्र नील और परिस्तान के पर्वतीय क्षेत्र शामिल करता है। पोगल पूर्व में किश्तवाड़, दक्षिण में रामबन और सिराज से घिरा हुआ है, जिनमें विभिन्न बोलियां बोली जाती हैं। पोगली बोलने वाले लोग मुख्य रूप से बनिहाल के दक्षिण, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम में निवास करते हैं। राजाओं का निवास खारवान के एक किले में था जो वर्तमान में नील क्षेत्र के धनमस्ता गांव में आता है। कहा जाता है कि 17वीं और 18वीं शताब्दी में पूरे क्षेत्र पर किश्तवाड़ के स्थानीय राजाओं का शासन था। पोगल राज्य का नाम इसके संस्थापक पोगल सह से जुड़ा हुआ बताया जाता है। उनके अधीन विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों को नियंत्रित करने वाले छोटे स्थानीय सरदार भी थे। इनमें प्रमुख थे चामलवास से स्थानीय प्रमुख, जो चामलवास, चपनारी, चंजलू और नाउकोट क्षेत्र की सीमा रक्षा को नियंत्रित करते थे। अन्य क्षेत्रों में भी छोटे स्थानीय प्रमुख थे जिन्हें राय कहा जाता था। हालांकि यह जानकारी हमारे बुजुर्गों से मौखिक रूप से प्राप्त हुई है। 1821 में गुलाब सिंह ने राजा तेग मोहम्मद सिंह उर्फ सैफुल्लाह खान से किश्तवाड़ को जीत लिया, जिससे पोगल के छोटे राज्य का भी अंत हो गया। इस क्षेत्र को भी डोगरा शासन के संस्थापक गुलाब सिंह के प्रत्यक्ष नियंत्रण में लाया गया। जेलदारी निजाम की स्थापना की गई और वे क्षेत्र में डोगरों के प्रतिनिधि थे। पोगली बोली का प्रामाणिक इतिहास राष्ट्रीय स्तर के साहित्य में उपलब्ध है और पश्चिमी भाषाविदों द्वारा भी इस पर शोध किया गया है। हाल ही में मिशिगन विश्वविद्यालय यूएसए के प्रोफेसर पीटर एच हुक द्वारा कॉल और श्मिट 1984 के अनुसार पोगली में कश्मीरी के साथ 70% शब्दावली सहित कई भाषाई विशेषताएं साझा की जाती हैं। पोगली मुख्य रूप से पोगल, परिस्तान, उखराल, शालीगद, नील, खारी, बिनगारा, सीना भाटी, गोनौत, सरबागनी, शगन क्षेत्र, चामलवास, अमकोट, त्रिगाम, एलनबास, चूनथान, नौगाम, मालीगाम, पंचाल, खारवान, दराढ़ी, रामसू, मगारकोट, चंजलू और फागु नाउकोट क्षेत्र, बनिहाल, काभी, भटनी, मैत्रा और रामबन, गुलाबगढ़ के लार क्षेत्र आदि के कई छोटे हिस्सों में बोली जाती है। ग्रियर्सन, पोगली को कश्मीरी भाषा की बोली के रूप में माना है। सर जॉर्ज ग्रियर्सन एक आईसीएस अधिकारी और प्रसिद्ध भाषाविद, जिन्हें ब्रिटिश भारतीय सरकार द्वारा भारतीय भाषाओं और बोलियों के भाषाई सर्वेक्षण के लिए नियुक्त किया गया था, ने निस्संदेह भारतीय भाषाओं के अध्ययन के लिए महान सेवा की है। भारत का भाषाई सर्वेक्षण LSI ब्रिटिश भारत की भाषाओं का एक व्यापक सर्वेक्षण है, जिसमें 364 भाषाओं और बोलियों का वर्णन किया गया है। यह 1894 में शुरू हुआ और महान और समर्पित प्रयासों के बाद इस कार्य को पूरा करने में 30 साल लगे। अंततः अंतिम परिणाम 1928 में प्रकाशित हुआ। क्रियर्सन 1919 और कचरू 1969 के अनुसार कश्मीरी की 4 क्षेत्रीय बोलियां हैं जो कश्मीर घाटी के बाहर बोली जाती हैं, अर्थात किश्तवाड़ी, पोगली, रामबनी और सिराजी। पोगली की कोई लिखित परंपरा नहीं है और कुछ लोकगीतों के अलावा कोई प्रकाशित साहित्य नहीं है। बेली 1908 और ग्रियर्सन 1919 में प्रकाशित प्रारंभिक रेखा चित्रों के बाद इसे भाषाविदों से बहुत कम ध्यान मिला है।
हाल के समय में कुछ लेखकों ने उक्त बोली में गद्य और कविता लिखने का प्रयास किया है, लेकिन इसे उस तरह लोकप्रिय नहीं किया गया जैसा होना चाहिए था। कश्मीरी की उत्पत्ति या वंशानुगत वर्गीकरण से संबंधित मुद्दों पर ग्रियर्सन द्वारा विस्तार से चर्चा की गई है, जिन्होंने कश्मीरी को दार्दी भाषाओं के समूह के अंतर्गत रखा है। उन्होंने दार्दी भाषाओं को तीन प्रमुख समूहों में वर्गीकृत किया है। एक, काफिर समूह, दो, खोवार या चित्राली समूह, और तीन, दार्द समूह। उनकी वर्गीकरण के अनुसार दार्दी समूह में शीना, कश्मीरी, काश्तावरी, पोगली, सिराजी, रंबानी और कोहिस्तानी शामिल हैं, जिसमें गारवी, टोरवाली और मैया शामिल हैं। इसलिए इसे कश्मीरी की बोली के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती। हालांकि काश्तावरी और पोगली शायद कश्मीरी की एकमात्र दो क्षेत्रीय बोलियां हैं जो कश्मीर घाटी के बाहर बोली जाती हैं। निष्कर्ष: दुनिया की प्रमुख भाषाएं और बोलियां हमेशा क्षेत्र से जुड़ी रही हैं, न कि जातियों या जनजातियों से। कुछ लोगों ने पोगली बोली के नाम को लेकर भ्रम और भ्रांतियां पैदा कर दी हैं और अपनी मनमर्जी से नए नाम सुझा रहे हैं। यह शायद अज्ञानता और इस पहलू के बारे में ज्ञान की कमी का कार्य हो सकता है। इसलिए सभी ऐसे संदेहों को दूर करने के लिए इस विषय पर उपलब्ध ऐतिहासिक साक्ष्यों को एकमात्र स्रोत माना जा सकता है। उपरोक्त चर्चा में निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें कुछ कारकों को ध्यान में रखना होगा। पोगली बोली के बारे में उपलब्ध ऐतिहासिक साक्ष्य और इस स्रोत के पीछे की तर्कसंगतता की सराहना जैसे मुख्य कारक तर्कसंगत निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए मार्गदर्शक बल बने हुए हैं। यह उन सभी को संतुष्ट कर सकता है जो तर्क और तर्क के प्रति खुले हैं और जिन्होंने अज्ञानता के कारण इस बोली के नाम के बारे में एक अलग राय बनाई है। सबसे पहले, इस बोली का उल्लेख ब्रिटिश भारतीय सरकार के तहत एक ICS अधिकारी सर जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा आयोजित भारत के भाषाई सर्वेक्षण में किया गया है और इसे उक्त सर्वेक्षण की वॉल्यूम 8 में पोगली के रूप में दर्ज किया गया है। दूसरे, यह बोली उन 364 भाषाओं और बोलियों में से एक है जिन्हें सर्वेक्षण में स्थान मिला है और इसलिए किसी के पास इतिहास के पाठ्यक्रम को उलटने के लिए कोई कानूनी अधिकार या साधन उपलब्ध नहीं है। तीसरे, 1947 से पहले और बाद में सरकार द्वारा की गई जनगणना संचालन, जिसमें इस बोली का उल्लेख केवल इसी नाम से किया गया है, भी उपरोक्त तथ्यों की गवाही देती है। इसलिए उपरोक्त स्रोतों से अधिक प्रामाणिक स्रोत उपलब्ध नहीं हो सकते।